हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपको हार्ट के संबंधी अलग अलग तकलीफ़ें, कई लोगों की हार्ट रेट एकदम से बढ़ी हुई होती है, कई लोगों की हार्ट रेट कम हो जाती है, या तो हार्ट रेट रेगुलर नहीं चलते, बीच बीच में एक बीट मिस हो जाता है, या तो फिर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की तकलीफ़ है, या तो फिर ब्लड प्रेशर कम होने की तकलीफ़ है, और कई लोगों की अंजाइना की तकलीफ़ होती है, यानी कि अंजाइना का पेन होता है। अंजाइना का पेन यानी कि जिसमें हार्ट की तकलीफ़ की वजह से जो में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, आर्म में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, और यह दर्द खाना खाने के बाद या तो कोई भी आप एक्टिविटी करते हो तब यह दर्द बढ़ जाता है, इनको अंजाइना पेन बोला जाता है। अगर यह हार्ट के संबंधी अलग अलग तकलीफ आपको हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सीखने वाले कि जिनके जरिए आप यह हार्ट के संबंधी जो अलग अलग तकलीफ है इसमें काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो यह पॉइंट जानने से पहले आपको मैं एक चेतावनी देने वाला हूँ। करंट आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है वह मेडिसिन में आपको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं करना है। आप अपने फिजिशियन के सलाह के हिसाब से ही मेडिसिन का डोज कम ज़्यादा करिएगा, मेडिसिन बंद करिएगा, वह आपको खास मेरा निवेदन है। यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है P6, यानी कि पेरिकार्डियम का 6 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट को एरिया डिस्टल पॉइंट बोला जाता है, यानी कि हमारा जो थोरेक्स और जो अपर एब्डोमेन होता है इनका डिस्टल पॉइंट इनको बोला जाता है, यानी कि यह पॉइंट दबा के आप थोरेक्स यानी कि हमारी छाती और हमारा जो अपर एब्डोमेन ऊपर का पेट होता है इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं इनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डाल सकते हो। तो यह पॉइंट हमारी जो हाथ होता है हाथ की आगे की सरफेस पर मिलता है। पहले आपको रिस्ट लाइन पकड़ लेनी है, हमारा पाम जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही है इनको रिस्ट लाइन बोला जाता है। तो यह रिस्ट लाइन का मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। यह मिड पॉइंट से 3 फिंगर नज़दीक आना है आपको, मिड पॉइंट से 3 फिंगर प्रोक्सिमल। यहाँ पर हमारा यह P6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिलता है। फिर से जान लेते हैं, पहले आपको रिस्ट लाइन लोकेट करनी है, यह रिस्ट लाइन का मिड पॉइंट पकड़ लेना है। अभी यह मिड पॉइंट से 3 फिंगर प्रोक्सिमल आना है, वहाँ पर हमारा यह एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिल जाता है। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद इनको कैसे दबाना है वह हम जान लेते हैं। इनको आप किसी भी डायरेक्शन में दबाव दे सकते हो, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी इनको दबाव दे सकते हो। यहाँ पर पहले आपको पॉइंट को लोकेट कर लेना है, फिर यहाँ पर हल्का हल्का दबाव देना शुरू करना है। कहाँ तक दबाव देना है, जहाँ पर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाए वहाँ पर आपको रुक जाना है। 2 से 3 मिनट के लिए कांस्टेंट दबाव देना है, इनके बाद 1 मिनट के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 1 मिनट के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाव देना है। और जब भी आप एक्यूप्रेशर कर रहे हो तब आप आंखें बंद कर दीजिए, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करिए, और हर एक वीडियो में आपको जो हम सिखाते हैं वह विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। यानी कि जब भी आप एक्यूप्रेशर दे रहे हो तब जो भी नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, वह सब आपके बॉडी से रिलीज हो रहे, बॉडी से बाहर निकल रहे, और जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी ब्लड फ्लो है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वह आपकी बॉडी को मिल रहे और आपका बॉडी, आपका हार्ट हील हो रहा है, वैसा विजुअलाइजेशन आपको फॉलो करना है। तो यह P6 पॉइंट दबा के आप हार्ट के संबंधी जो अलग अलग तकलीफ आपको हमने बताई, यानी कि हार्ट रेट आपके बढ़े हुए रखते हैं, हार्ट रेट आपके कम हो जाते हैं, आपका BP बढ़ जाता है, BP कम हो जाता है, यह दोनों कंडीशन में, या तो फिर हार्ट रेट आपके इरेगुलर है, या तो फिर आपको अंजाइना पेन हो रहा है, ये सभी कंडीशन में यह सिंगल पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।